बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बटन्स का भी जो पेंट है तो ये आवाज करते हैं, देखो ये ढीला है। वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में क्या होगी, तो इसमें इतना ज्यादा गैप है, ये देखो अच्छे से काम ही नहीं करना चाहते, आगे वाला तो लग ही नहीं रहा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, एंड आज हमारे साथ SP125। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका किलोमीटर दिखा देता हूँ कि ये चला कितना हुआ है, ठीक है। तो गाड़ी को ऑन करते हैं और आप देख सकते हो ये 16,698 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। और ये गाड़ी हमारे अरविंद भाई की है, अरविंद बुक डिपो बांदा। कंपटीशन से जुड़ी हुई सारी की सारी चीज़ें इनके यहाँ अवेलेबल है। और इस वीडियो का मेनली टॉपिक होने वाला है कि 16,000 कुछ किलोमीटर चलने के बाद इसकी कंडीशन क्या है, क्या क्या इसमें हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और क्या क्या लग रहा है कि ये और अच्छा होंडा कर सकता है अपनी लेटेस्ट आने वाली SP125 में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसकी कंडीशन देख लो 16,000 के बाद। तो LED हेडलाइट है फ्रंट में, बड़ा सा वाइजर है, इंडिकेटर है, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर नहीं है भाई, ठीक है। और ये ड्रम वाला वेरिएंट है, ट्यूबलेस टायर है आपके फ्रंट में ही, और देख लो आप ये ड्रम सेटअप है, ठीक है। और इसका ये टैंक है, तो टैंक भाई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मेटल टैंक है। और यहाँ पर देखो बहुत ढेर सारे स्क्रैचेस लगे हैं, क्योंकि ये गाड़ी बिजनेस में यूज होती है। तो यहाँ पे जो इसका पेंट क्वालिटी है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, किसी भी तरह की कोई चीज़ें इसमें बची नहीं है। बटन्स का भी जो पेंट है वो उखड़ गया है, मतलब कि इतनी बार ये सेल्फ दबाए गए ना कि एकदम ये स्मूथ हो गया है। और इस साइड के बारे में बात करें तो इधर तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मीटर कंसोल की विजिबिलिटी ओके है, एज ऑफ नाउ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ये सारा का सारा कुछ बता रहा है, ट्रिप ए ट्रिप बी, KMPL है, और ये सारी चीज़ें। और ये सर्विस में है अभी गाड़ी, गियर पोजिशन इंडिकेटर भी है, ठीक है। और इसके साइड पैनल में भी कोई दिक्कत नहीं है, पेंट क्वालिटी मतलब साइड से सही लग रही है, बट टैंक से चली गई है। और इधर भी आप देखो तो इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि ये जो इसके टैंक एक्सटेंशंस लगे हुए हैं ना, तो ये आवाज़ करते हैं, देखो ये ढीला है। तो 16,000 चलने के बाद और रफ़ यूज़ करने के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जा रही है। और ये वाला पैनल देखो काफ़ी चीप लग रहा है, ठीक है, इनको टाइट कराना पड़ेगा। और ये गाड़ी देखो सर्विस में भी है, जैसे कि आप देख सकते हो सर्विस इंडिकेटर है। तो सर्विस के पहले वाला जो रिव्यू है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि 16,698 किलोमीटर चलने के बाद इस गाड़ी की कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में क्या होगी, ठीक है। ये इसका टेल लाइट है, ये भी बढ़िया चल रहा है, किसी भी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं किया गया। ये इसके टायर्स हैं, ठीक है, MRF के टायर मिलते हैं, तो टायर की अभी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका चैन पॉकेट जो है अभी बंद है, तो इसको मैं दिखा नहीं सकता, बट हाँ थोड़ा बहुत मुझे वियर एंड टीयर दिख रहा है। और इसका इंडिकेटर भाई देखो नॉन फ्लेक्सिबल होने के कारण, एक तो इसमें इतना ज़्यादा गैप है कि इसमें पानी भर जाता है, तो इंडिकेटर भी अगर चेंज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये ब्रैकेट से अलग हो चुका है, अब इसका देखना पड़ेगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। और सस्पेंशन ये रहे इसके, और मैं आपको अब इसको ऑन करके दिखाता हूँ। गाड़ी हमारी न्यूट्रल में है और इसमें आता है साइलेंट स्टार्ट सिस्टम, ठीक है, ऑन करते हैं। तो गाड़ी बिल्कुल साइलेंटली ऑन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके जो फ्रंट शॉकर हैं ये अभी तक लीक नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इनमें सस्पेंशन की क्वालिटी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि लीक हो गए हों, क्योंकि कई कई गाड़ियों में, नई नई गाड़ियों में भी लीक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और गाड़ी का जो इंजन साउंड है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, अभी भी एकदम साइलेंट है, किसी भी तरह का वियर्ड नॉइस नहीं है हाल फिलहाल। और मैं इसको रेव करता हूँ थोड़ा, और अभी हम इसको धुला के लाए हैं तो ये थोड़ा ठंडी हो गई है गाड़ी, तो इस वजह से ये थोड़ा लैग मार रही है। और पिकअप आप देखो, पहला गियर, तो पिकअप के मामले में भाई इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है। अब देखो ये जो मैं पिछला ब्रेक दबा रहा हूँ ना, तो उससे भी आवाज़ आ रही है, क्योंकि जब भी हम गाड़ी धुलवाते हैं ना तो वो वेट हो जाते हैं पैड्स, तो वो चपकते हैं सरफेस में, ये देखो, तो ये आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। और आगे वाला भी जो ब्रेक है ना, उसमें किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा, कुल मिला के ब्रेक लग ही नहीं रहा है उस तरह से। अब ये देखना पड़ेगा कि इसका जो है फ्रंट पैड जो है ख़त्म हो गए हैं कि नहीं, तो वो देखना पड़ेगा। बाकी अभी एज सच और कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक्स बस इसके थोड़ा इशू दे रहे हैं,
और बाकी जो इको लाइट वगैरह है वो सारा का सारा बढ़िया से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब साउंड जो है ना बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, और इस गाड़ी का जो माइलेज है वो भी बहुत अच्छा है। एज ऑफ नाउ ये वैसे ही माइलेज दे रही है जैसे पहले दिया करती थी, ठीक है, क्योंकि गाड़ी का वेट भी कम है और सारी चीज़ें उसी तरह से हैं। तो मतलब इंजन के मामले में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं, बस बॉडी से ये थोड़ा ढीली हुई है इधर उधर से, क्योंकि ज़्यादा इसकी केयर उस तरह से नहीं होती है, ठीक है, जिनके पास भी है ये मोटरसाइकिल, तो वो चीज़ है। और मेन चीज़ दिक्कत ये भी है कि जितने भी सर्विस सेंटर वगैरह हैं भाई, तो वो अच्छे से काम ही नहीं करना चाहते और ना ही वो अपनी सर्विस को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है होंडा वालों के साथ, बहुत सारे सर्विस सेंटर ऐसे हैं कि जो बड़ा बड़ा काम करते हैं और गाड़ी छोड़ देते हैं। कुछ ही ऐसे सर्विस सेंटर हैं जो अच्छा काम करते हैं और आपको काम करवाने के बाद अच्छा महसूस होगा। एज ऑफ नाउ गाड़ी बहुत ठीक ठाक चल रही है, और मुझे लगता है कि जब ये सर्विस हो जाएगी, और मैं अब इसकी सर्विस भी कराने वाला हूँ, तो जब इसकी सर्विस हो जाएगी तो सर्विस के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि 16,698 किलोमीटर चलने के बाद इसका जो रिस्पॉन्स है सर्विस के बाद वो कैसा हो जाता है, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। एज ऑफ नाउ मुझे जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं वो है ब्रेकिंग प्रॉब्लम मेनली। तो आगे वाला ब्रेक है और पीछे वाला ब्रेक है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, आगे वाला तो लग ही नहीं रहा है लेकिन पीछे वाला जो ब्रेक है वो आवाज़ कर रहे हैं। और सस्पेंशन जो है वो ठीक है, सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी का जो लैग है वो आ रहा है मेनली इसको धुलाने की वजह से, तो जब ये गाड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने आ जाएगी तो ये सही हो जाएगा। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इस मोटरसाइकिल में। तो कहने का मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि SP125 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैं कहूँगा यार ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो सबके लिए बनी है, कम्यूटर फ्रेंडली मोटरसाइकिल है, इसको आप फैमिली में भी यूज़ कर सकते हो, हर कोई चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको इसके सस्पेंशन जो है हार्ड लगे तो इसको आप सॉफ्ट भी करा सकते हो, थोड़ा बहुत इसमें एडजस्टमेंट होती है तो वो करा लेना अगर आपको हार्ड लग रहे हो तो। और बाकी जो रस्टिंग इशू वगैरह है तो वो ऐसा एज सच मैंने नहीं देखा है, नॉर्मली है, इसमें अभी किसी भी तरह से रस्ट वगैरह नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और बाकी गाड़ी में यार देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक इस गाड़ी को ले सकते हो। ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो आपको स्मूदनेस अच्छा देगी, ठीक है, आपको परफॉर्मेंस अच्छा देगी और आपको माइलेज अच्छा देगी, और लॉन्ग टाइम पे ये इंजन जो है रिलायबल भी रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगा इस गाड़ी का सर्विस कराने के बाद, फिर मैं आप लोगों से इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि ये मोटरसाइकिल सर्विस होने के बाद किस तरह से बिहेव करती है, कितना स्मूथनेस बढ़ जाती है, क्या इनकी रैटलिंग नॉइज़ वगैरह कम होती है, एक्सटेंशंस वगैरह की जो पैनल्स में आवाज़ आ रही है वो कम होती हैं या नहीं होती हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।